और जनता में काफी उत्साह है, भरपूर उत्साह है कि वापस कमलनाथ जी की सरकार बिठानी है। अब देखो चुनाव हो तो ईवीएम पे रहे, कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी, हमारी निगरानी बरोबर है, पर सरकार इनकी अब देखो क्या करती है। बसई गांव के एक मतदान केंद्र पे मौजूद है जहां पर राकेश पाटीदार भी मौजूद है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो आपने वोट कर दिया, जिस तरह से एक लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, तो आपने उस पर्व को किस तरह से अपने वोट, कीमती वोट देकर आपने इस पर्व को बनाया है, तो मैं दिखा चाहूंगी कि आप एक बार अपने हाथ को दिखाइए। हमने तो इस लोकतंत्र के महापर्व में इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे पहले मत किया, और मैं तो जनता से भी यही अपील करता हूँ कि इस लोकतंत्र के महापर्व पर सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकले और इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें, क्योंकि जो पार्टी इस संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करके जिस तरीके से मतों का सौदा कर रही है, उस पार्टी को सबक सिखाने के लिए घर से बाहर निकले। तो आप जनता की सेवा करने के लिए आज आप यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं, आप जनता के बीच पर मुद्दों को भी आपने रखा है, उनके विकास कार्य को भी रखा है, लेकिन क्या लगता है जनता कितना इस बात को समझ पाई है? और एक विकास कार्य करने के लिए जो ताकत होती है वो कुर्सी होती है, तो उस कुर्सी के साथ आप जनता की सेवा कर सकते हैं, तो क्या लगता है जनता इस बात को कितना समझ रही है और आपको लग रहा है जनता आपके हित में? जनता बिल्कुल कमलनाथ जी के पक्ष में है और कांग्रेस के पक्ष में है। यहाँ पहले भी दो बार कांग्रेस को जनाधार मिला है, और यहाँ की जनता जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके जो यहाँ के पूर्व विधायक ने जो बेंगलोर में जाके जो घटना करी है, उससे यहाँ के क्षेत्र की जनता में बहुत रोष है, और क्षेत्र की जनता ने बड़ी आस उत्साह के साथ उसको वोट दिया था ताकि वो क्षेत्र की जनता की लड़ाई लड़ेगा, पर उसने उसके ठीक विपरीत काम किया, अपने स्वार्थ और इच्छा पूर्ति का काम किया, तो इस कारण क्षेत्र की जनता में भयंकर रोष है। क्षेत्र की जनता उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहती है और सबक सिखाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस किसान के बेटे को विधानसभा में भेजेगी और इस क्षेत्र का विकास हम और कमलनाथ जी मिलकर करेंगे। जनता तो 100% जागरूक है, जनता जागरूक है, जभी तो देखिए आप ये पीछे देख लीजिए, आपके यहाँ लाइनें लगी हुई है, कोरोना है, उसके बावजूद भी लोग घर से बाहर निकल के वोट डाल रहे हैं, और जनता में काफ़ी उत्साह है, भरपूर उत्साह है कि वापस कमलनाथ जी की सरकार बिठानी है। हमारे जो सामने चुनाव लड़ रहे हुए प्रत्यक्ष भी गांव में जा रहे हैं, हमने बहुत सारी जगह देखे हैं, उनके चेहरे पर इतनी मायूसी है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, उनके चेहरे की रौनक गायब है, क्योंकि जनता ने जनादेश दे चुके हैं और जनता मानसिकता बना चुकी है। जनता का विश्वास, जनता के अंदर जो एक उत्साह है वो आपके चेहरे पर, मतलब आपको एक खुशी है कि जनता का प्यार आपको मिलना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम पिछले 18 साल से मैं जनता के बीच में हूँ, इनके छोटे मोटे कार्यों के लिए जहाँ मेरे से बनता है वो काम मैं करता हूँ, और क्षेत्र का युवा है जो पूर्ण रूप से मेरे ऊपर विश्वास करता है कि आदमी में हमारी लड़े लड़ेगा, और मैंने भी उनको विश्वास दिलाया कि उनके हर सुख दुख में उनके साथ हूँ। ईवीएम मशीन पे कितना भरोसा है? अब ईवीएम पे भी चुनाव हो रहे तो भरोसा तो करना ही है, बाकी भरोसा तो हम शुरू से ही नहीं करते ईवीएम पे, क्योंकि अभी भी एक तितरोध की घटना है, एक तितरोध की घटना में जब पर्ची निकल रही तो उसमें नाम भी नहीं आ रहा और एक उंगली और एक अंगूठा कटा हुआ आ रहा है, तो उस चीज़ से समझ में नहीं आ रही है। तो वहाँ भी अभी वो मतदान बंद है, तो लगे हुए हैं हमारे जो ऑब्जर्वर है, उसके बाद जो हमारे चुनावी अभिकर्ता वो सारे लोग वहाँ लगे हुए हैं, तो अब देखो चुनाव हो तो ईवीएम पे रहे, कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी, हमारी निगरानी बरोबर है, पर सरकार इनकी अब देखो क्या करती है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।